देखो, आने वाले समय में हो सकता है निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड पे कुछ सेबी के द्वारा यहाँ फाइन लगाया जाए। जी हाँ, कुछ यहाँ पे फाइन बड़ा लग सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जी हाँ, मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ, क्या है जरूरी पॉइंट्स जो आपको समझना चाहिए। निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड और यस बैंक के बीच में कुछ ऐसे निवेश हुए थे जिसके बेसिस पे सेबी यहाँ पे कुछ फाइन लगाने वाली है। अब ये क्या निवेश था? जी हाँ, हम इसके बारे में बात करेंगे और क्यों यहाँ पे निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे फाइन लग सकता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा? कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ? पोर्टफोलियो का डिजाइन और एलोकेशन कैसा होना चाहिए? किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाएं? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या ऐसी बात है जिस पे निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड पे फाइन लग सकता है? 2016 और 2019 में जी हाँ, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड के साइड से यस बैंक के बोर्ड में पैसा लगाया गया था और उसके बदले में यहाँ पे यस बैंक ने अंबानी के कुछ स्टॉक्स में खरीदारी की। हाँ, ये तय नहीं है, ये सेबी का मानना है। इसी पॉइंट के बेसिस पे सेबी ये आकलन कर रही है कि क्या वाकई में ये बात सही है। देखो, जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है इन्वेस्टर का, म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई हक नहीं बनता है कि उस पैसे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करके अपना फायदा कमा सके। या फिर जो म्यूचुअल फंड की पेरेंट्स कंपनी है, उनका भी हक नहीं बनता है कि इन्वेस्टर का पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदे के लिए कहीं लगाया जाए। और वाकई में अगर यस बैंक और जो यहाँ पे निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड के बीच में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड पे काफ़ी बड़ा फाइन लग सकता है, उसके साथ ही साथ यस बैंक पे भी कुछ यहाँ पे फाइन लग सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यस बैंक के बोर्ड में पैसा लगा उस समय निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था। निपोन इंश्योरेंस कंपनी का जब 75% हिस्सेदारी रिलायंस म्यूचुअल फंड में हो गया तो यहाँ पे ओनरशिप निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास आ गया। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि रिलायंस के ऊपर भी इसका जांच जाए और रिलायंस के ऊपर भी फाइन लगे। इट मीन्स कि किसके ऊपर गांज गिर सकता है, मैं आपको बता दूं, रिलायंस के ऊपर, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड और यस बैंक के ऊपर। ये अभी कन्फर्म नहीं है, इस पे जाँच चल रहा है, सेबी इस पे आकलन कर रही है और आकलन में अगर ये पाया गया कि ये बात सही है तो ये फाइन लग सकता है। देखो, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देश के चौथे बड़े एएमसी में नाम आता है। जी हाँ, अगर एयूएम की बात करें तो 2.9 लाख करोड़ का एयूएम इस म्यूचुअल फंड का है। और वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये जो म्यूचुअल फंड है, जी हाँ, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड, इट मींस कि विदेशी कंपनी का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस म्यूचुअल फंड में है। कभी भी अगर आप पैसा लगाओ, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ तो आपको सतर्क किस पॉइंट के बेसिस पे रहना है। जब भी आप क्लोज इंडेड फंड में पैसा लगाओ तो थोड़ा सा सतर्क रहो। अधिकतर जो केसेस देखने को मिले हैं, जी हाँ, मैं अगर पिछले 10 साल और 15 साल का रिकॉर्ड देखूं तो क्लोज इंडेड फंड में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड एएमसी ने अपना फायदा देख के कई जगह पैसा लगाया। जी हाँ, वो बाद में पता चलता है, शुरुआती दौर में तो म्यूचुअल फंड एएमसी अपना फायदा कमा लेती है और जहाँ पैसा लग रहा है वो कंपनी भी फायदा कमा लेती है। तो मैं इन्वेस्टर को यही बोलता हूँ कि देखो, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, स्पेशली क्लोज इंडेड फंड में, तो ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूँ तो फ्रैंकलिन के वो 6 डेब्ट फंड, जी हाँ, जो यहाँ पे रातों रात फ्रीज हो गए थे, ना इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल सकते थे और ना नए इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो पिछले 10 साल और 15 साल का डाटा है वो तो यही कहता है कि क्लोज इंडेड फंड में कई बार ऐसे त्रुटियां हुई हैं म्यूचुअल फंड एएमसी के साइड से, जो बाद में सेबी को पता चला है। और ऐसे मैं आपके सामने 3 से 4 एग्जाम्पल रख सकता हूँ। कोटक म्यूचुअल फंड में भी कुछ यहाँ पे क्लोज इंडेड फंड में प्रॉब्लम हुआ था और उस पर भी फाइन लगा था। जी हाँ,
PGI इंडिया म्यूचुअल फंड में भी कुछ क्लोज इंडेड फंड में को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था और उसके ऊपर भी यहाँ पे फाइन लगाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि मैंने देखा है। तो इन्वेस्टर को मैं यही बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पे क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड को फोकस करें तो थोड़ा सतर्क होकर फोकस करें या ऐसे फंड से दूरी बना के रखें। चलिए आप कल के वीडियो से हम एक क्वेरी कवर करते हैं। यहाँ पे जो क्वेरी है वो आनंद शर्मा जी का है। हेलो सर, मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो अभी 18 मंथ का है 15 ईयर के लिए 2000 SIP करना चाहता हूँ। मैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान के साथ जाऊँ या कोई और फंड में SIP करूँ, प्लीज़ बताएं सर। देखिए, जो SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है ये एक हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है। जी हाँ, आप कह सकते हो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। और देखो, इन्वेस्टर को मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आपके पास समय ज़्यादा है, आप किसी गोल के पीछे भाग रहे हो, तो आप यहाँ पे प्योर इक्विटी फंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो जब आपके पास 15 साल का समय। जब 4 साल और 5 साल का समय होता, जी हाँ, और रिस्क आपका काफ़ी कम होता, तो मैं बोलता एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे हाइब्रिड फंड को आप फोकस कर सकते हो। देखो, आपका बच्चा काफ़ी छोटा है और समय काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको प्योर इक्विटी फंड पे फोकस करना चाहिए। हाँ, लेकिन रिस्क तो आप ही का कैलकुलेट होगा। थोड़ा सा इस फंड के बारे में अगर आपके सामने डाटा रखूँ, तो ये जो फंड है वो डेब्ट में ऑलमोस्ट 7-8% इन्वेस्टमेंट करता है और यहां पे ऑलमोस्ट 81% का इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज पे है। इस फंड में थोड़ा सा इंटरनेशनल इक्विटी का भी टेस्ट है। आप कह सकते हो 8-9% का इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इक्विटीज पे है। लार्ज कैप की बात करें 36-37% का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 40% का इन्वेस्टमेंट और मिड कैप में 5-6% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। अगर मैं आपके सामने इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करूं, जो आप यहां पे फोकस कर रहे हो, वो पिछले एक साल में 0.97% का रिटर्न दिया, पिछले दो साल में 38-39% के करीब में है और सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो 48% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। लेकिन मैं अगर हाइब्रिड फंड का यहां आकलन करूं, डाटा का आकलन करूं, तो ये निकल के आता है कि लंबे समय में ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो होता है वो 10-11% से ज्यादा नहीं जाता है और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करूं तो 1% ज्यादा हो सकता है। मैं आपको बोलूंगा कि फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड को फोकस कर सकते हो। जी हाँ, और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। आप एक बार फिर से आकलन करो इस पॉइंट को लेके। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, पेज या कमेंट बॉक्स में आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।